हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हेंस इवेल्यूएट करना है आपको ये। अब आपको एक्सपेंशन पता है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है आपको ये, उसके बाद क्या करनी है आपको, वैल्यू इवेल्यूएट करनी है इसी की। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन निकालिए, फिर a माइनस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन निकालिए, आपस में एलिमिनेट कर दीजिए माइनस के साथ, और जो वैल्यूज़ बचेंगी आपकी उसमें आप ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि आपको क्यों पुट करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपकी सिमिलर दे रखी है, ए की जगह आपका क्या है रूट थ्री है, और बी की जगह आपका क्या है, क्योंकि पावर एक्सपेंशन क्या है सेम है और साइन भी सेम है, तो बी क्या आपका दे रखा है रूट टू। और जब आफ्टर सॉल्विंग दिस आप उनमें वैल्यू जब ये डाल देंगे आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी का 4 एक्सपेंशन ओपन करके लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी a माइनस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन, फिर मैं दोनों को एलिमिनेट कर दूंगी। तो जब मैं ओपन करके लिखूंगी अपने एक्सपेंशन को तो मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, जैसे हम सिंपली ओपन करके लिखते हैं 4c0 a 4 माइनस 0 बी 0 प्लस 4c1 a 4 माइनस 1 बी 1 प्लस 4c2 a 4 माइनस 2 बी 2 प्लस 4c3 a 4 माइनस 3 बी 3 प्लस 4c4 a 4 माइनस 4 बी 4। इसी तरह से सेम टर्म्स आपकी यहाँ पे आएंगी, बस क्या होगा ऑल्टरनेटिव साइन लग जाएंगे। तो ये मैं सेम ऐसे कॉपी कर रही हूँ। अब देखिए, अब मैं एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज करूंगी। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्लैश कर दूंगी मैं वो टर्म्स जो कि सिमिलर भी हैं और प्लस माइनस से कैंसिल हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है और यहाँ पे नेगेटिव, और टर्म सेम है तो ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नहीं कटेगी, थर्ड टर्म कट रही है, और फोर्थ टर्म फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है ये नहीं कटेगी, और लास्ट टर्म कट रही है, प्लस है ये और ये माइनस में, ठीक है। तो आपकी दो टर्म्स बची हैं, तो ट्वाइस ऑफ करके लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ऐड हो रही हैं, टू टर्म्स सिमिलर हैं और ऐड हो रही हैं, तो ट्वाइस ऑफ क्या आएगा मेरे पास, 4c1 ए की पावर 4 माइनस 1 जो कि क्यूब हो जाएगी बी, और ये वाली टर्म आएगी 4c3 ए 4 माइनस 3 क्या हो गया 1 और बी क्यूब। देखिए मेरे पास एंड में क्या आया, ये बच के आया। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो फैक्टोरियल्स को ओपन करके लिखूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे 4 बचेगा 4a³b, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी 4 और 3 में से 1 डिफरेंस है तो मैंने बताया था 4 ही बचेगा a क्यूब। अब यहाँ पे 4 कॉमन है, बाहर चला जाएगा, a भी कॉमन है b भी कॉमन है, जितने टर्म्स कॉमन है वो बाहर आ जाएंगी a और b, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपके पास ये स्टेटमेंट जो आ गई है कुछ इस तरह से है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे अपनी, ए की जगह रूट थ्री बी की जगह रूट टू, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ ऐसे होगी 2.4 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको क्या वैल्यूज डालनी है, बी क्या है रूट टू, 4 2 का 8, ए में क्या वैल्यू आएगी रूट थ्री, बी में रूट टू, और रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 का 6, और यहाँ पे क्या है
रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 डॉट रूट 6 अंदर क्या आ रहा है 5, तो 8 5 का कितना होता है 40, तो 40 रूट 6 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, सेम आपको वैल्यूज़ निकालनी है, पहले इन दोनों एक्सपेंशन को ओपन करके, फिर क्लैश होंगे आपस में, एलिमिनेट होंगे जब साइंस ओपन होंगे इसमें। तो देखिए पहला में क्या है, x प्लस वन का 6 ओपन कर रही हूँ, तो जो कि क्या आ रहा है मेरे पास 6c0। अब a क्या है x, 6 माइनस 0, और 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, b टर्म आपको लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि b में आपकी जो वैल्यू है वो 1 है, और b में कोई पावर आ जाएगी तो उसकी पावर मतलब आंसर 1 ही रहेगा उसका, तो मैं b टर्म को यहाँ पे लिखूँगी नहीं इस क्वेश्चन में। और प्लस है तो पॉजिटिव साइन, 6c1 एक्स 6 माइनस 1 प्लस 6c2 एक्स 6 माइनस 2 प्लस 6c3 एक्स 6 माइनस 3 प्लस 6c4 एक्स 6 माइनस 4 प्लस 6c5 एक्स 6 माइनस 5 प्लस 6c6 दिस इज माई लास्ट टर्म एंड 6 माइनस 6। और ऐसे ही x माइनस 1 को ओपन करूँगी, सेम कॉपी कर लेंगे आप अपना ये वाला जो आपने एक्सपेंशन ऊपर खोली है, क्योंकि यहाँ पर बस माइनस है, टर्म्स आपकी बिल्कुल सेम है और एक्सपेंशन n की 6 है दोनों में, तो बस ऑल्टरनेटिव साइन लगाने हैं आपको। तो जो मेरे पास टर्म्स आएंगी अब वो कौन कौन सी आएंगी, सेकंड टर्म कट होगी, थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव हैं, फोर्थ टर्म कट होगी, फिफ्थ टर्म दोनों पॉजिटिव हैं, सिक्स्थ टर्म कट होगी, और सिर्फ आपकी ये टर्म जो रेड में मार्क है वो कट डाउन होगी। आप एलिमिनेशन मेथड इसमें नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि बीच में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है। तो जो मेरे पास टर्म्स बच के आई हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस वो क्या है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे x 6 आएगा प्लस इसका फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 एंड 4 फैक्टोरियल x स्क्वायर दिस इज अगेन 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 1, तो जो आपका आंसर आएगा x की पावर में 6, 5 3 का 15x4 प्लस 15x2 प्लस 1, सो दिस इज योर आंसर। और इसमें आपको वैल्यू का डालनी है एंड में रूट 2, एक्स की जगह बस आप रूट 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको अगर ऐसे भी लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह आप रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा। दिस सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट है ये इजी, तो ये है आपका सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक माय वीडियो।